Okay. चलो तो एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए मुझे, क्या हम सब लोग लाइव हो चुके हैं? जल्दी बताइए, क्या हम सब लोग लाइव हैं? आपको मेरी आवाज क्लियर है? फटाफट बताइए। ठीक है सर जी, बुक कब आएगा? बुक बहुत जल्दी आएगा दोस्त, है ना? तो देखो भाई, आप लोग को जैसे भी पता है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट आता है, टॉपिक आता है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक बड़ा कंफ्यूजन में डालता है लीवर और मशीन, है ना? तो जो भी इंटरमीडिएट वाले बच्चे होते हैं वो लोग ज्यादातर इस टॉपिक को शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा आईटीआई या बीटेक किया हो उन्होंने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, लीवर और मशीन का, है ना? तो आज मैं आपकी क्लास में सारे के सारे लीवर बताने वाला हूँ, और लीवर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लीवर को समझना कैसे होता है ये बताने वाला हूँ। अगर आपने कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हों एएलपी के, सीबीटी टू के, एएलपी के, सीबीटी टू के, अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हो तो आप लोगों को ऐसा हो ही नहीं सकता कि लीवर के एक दो तीन क्वेश्चन ना देखने को मिले हों। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें पूछी जाती है कि किस लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज एक के बराबर होता है, किसका एक से ज्यादा होता है, किसमें कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है, किसमें अधिक भार लगाकर कम बल उठाया जा सकता है, समझ रहे हैं ना? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है चलिए तो स्टार्ट किया जाए भाई, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। ठीक है ओके, बनिश कुमार बस हम लोग ना इसके बाद मेनली सीबीटी वन के ही फोकस पे करेंगे, अब इसके बाद ना हम लोग जनरल साइंस के सेट देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब के। साउंड प्रॉब्लम मुझे एक बार बता दो जरा, साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? मनीष तुम्हारी बात सही है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कल या परसों से जनरल साइंस से सेट देखेंगे। ठीक है सर, आज आपका पहला क्लास लाइव देख रहा हूँ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो लीवर हम लोग का आज का टॉपिक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीवर को। जैसे कि आपको पता है कि लीवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी दैनिक लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना? एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कि ये बताइए कौन सा लीवर है, ये कैची बताइए कौन सा लीवर है, ये एक पहिए वाली गाड़ी बताइए कौन सा लीवर है ना, किस लीवर में क्या क्या होता है, छोटा सा छोटा पॉइंट और एक बड़ा सा बड़ा पॉइंट मैं आज आपको सब बताने वाला हूँ। ठीक है, उत्तोलन 2 से 3 नंबर जरूर मिलेंगे आपको, देख लीजिए ना, 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इस बात को याद रखिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है चलो, तो हम लोग मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है हर एक में डेफिनेशन के साथ आपको बातें बताई है ताकि आपकी क्लास नोट्स बनती रहे, है ना? ओके हाँ, ये फिजिक्स का ही टॉपिक है दोस्त, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स से अलग है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि लीवर होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझो कि लीवर होता क्या है। तो जब भी कभी हम बात करते हैं कि सर ये बताओ लीवर है क्या, तो बहुत सिंपल सी बहुत आसान सी परिभाषा होती है कि लीवर किसी तरह की एक छड़ होती है। मान लीजिए मैंने ये कोई छड़ बना दी, लेकिन ये छड़ सीधी भी हो सकती है और किसी टर्म में भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सीधी होती है ना। तो लीवर एक प्रकार की छड़ होती है, लेकिन होता क्या है कि जब इस छड़ को एक बिंदु के अबाउट फिक्स किया जाता है, एक बिंदु के अबाउट फिक्स किया जाता है, उस बिंदु को बोला जाता है फलक्रम। रखना उस बिंदु को क्या बोला जाता है सर, उस बिंदु को बोला जाता है फलक्रम, हिंदी में इसको बोलते हैं आलंब। तो याद रखना लीवर एक प्रकार की छड़ होती है, वो सीधी भी हो सकती है, टर्म में भी हो सकती है, जिस बिंदु को फिक्स किया जाता है यानी इस बिंदु के अबाउट देखो ऐसे ऐसे घूम सकता है, उस बिंदु को बोला जाता है फलक्रम, और फलक्रम हिंदी में बोलते हैं आलंब। एक और बात मैं आपको बताता हूं, जहां पर फलक्रम होगा उस बिंदु को हम हमेशा सी कहेंगे, जहां पर फलक्रम होगा उस बिंदु को हमेशा क्या कहेंगे सी। फिर होता क्या है कि एक बिंदु पर हम लोग अपनी तरफ से लोड रखते हैं, मान लीजिए ये मैंने लोड डब्लू रखा, मान लीजिए थोड़े देख लिए ये मैंने लोड क्या रखा, नहीं मैंने पहले पूछा कि 10 बजे खाली है तो उसने कहा खाली, उसको 8 बजे कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो मेरे भाई जहां पर मैंने डब्लू रखा, जहां पर मैंने लोड रखा, हमेशा ध्यान रखना जिस पॉइंट पे लोड रखा जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग हमेशा बी कहेंगे। अब होगा क्या, लोड की वजह से नीचे जाएगा, तो नीचे जाने की वजह से हम लोग यहां पर ऊपर की ओर एक इफर्ट लगाते हैं, एक प्रयास लगाते हैं,
इसको हिंदी में प्रयास और इंग्लिश में इफर्ट कहते हैं। तो जिस पॉइंट पे इफर्ट लगाया जाएगा ध्यान रखना उसे बोला जाता है ए। ये सब पॉइंट एकदम फिक्स हैं, कभी बदलेने नहीं, मैं पहले बता दूं कभी भी बदलेने नहीं। ओके फिर से सुनिए ध्यान से, यहां पर जहां पर जिसके अबाउट फिक्स हो रहा उसे फलक्रम, जहां पर लोड रखा जा रहा उसे बी ये सी, और जहां पर इफर्ट लगाया जा रहा उसे बोला जा रहा ए। क्लियर है ना? अब देखो परिभाषा में पढ़ता हूं, कोई भी लीवर एक सीधी अथवा वटाटार छड़ होती है जो एक स्थिर बिंदु के परिता घूम सकती है। लीवर का उपयोग कोई बल लगाकर किसी बोझ को उठाने या फिर सहारा देने में किया जाता है। अब लीवर के बहुत सारे मेरे दोस्त एग्जाम्पल हो सकते हैं, नाम आपने सुना ही होगा, जैसे कि प्लास एक प्रकार का लीवर है, कैची एक प्रकार का लीवर है, समझे ना, तराजू सर तराजू भी एक प्रकार का लीवर है। ओके आपने नाम सुना होगा मेरे दोस्त सीसा झूला ये भी एक प्रकार का लीवर है, चिमटा ये भी एक प्रकार का लीवर है। ऐसे ढेर सारे आपके दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाली चीजें आती हैं जो हमारा कह सकते लीवर होती है। ठीक है, हाँ मैं परिभाषा भी जब बताऊंगा ना तो आप समझ जाओगे किसी भी लीवर को हमें पहचानना कैसे। ओके चलिए तो बात सबको क्लियर हो रही ना, तो कोई भी लीवर एक छड़ होती है, बस ये लीवर है। अब लीवर के मैंने एग्जांपल लिखे तो, लेकिन मैं पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। देखो हम लोग एटेड सारी चीजें समझे रहे, मैं डायरेक्ट आपको फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। आपने देखा भी होगा ये परिभाषा बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हरा इसे हिंदी में बोला जाता है मैकेनिकल एडवांटेज को उत्तोलक लाभ। उत्तोलक लाभ बोलते हैं, ध्यान रखना, मैकेनिकल एडवांटेज बोल दीजिए या फिर आप इसको उत्तोलक लाभ बोल दीजिए, एक ही बात है मेरे दोस्त। ओके अब मैं आपको ये परिभाषा पहले बता दूं कि ये लीवर का उत्तोलक लाभ होता क्या है। लीवर पहचानने की ट्रिक में बीच में, हरा बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूं अभी, इसके बाद पहले आप समझो कि मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है। देखो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मेरा कोई लीवर है, ये रहा फलक्रम, ये क्या रहा फलक्रम। मैंने हमेशा बताया है कि फलक्रम को किस बिंदु से शो करेंगे, सी, सी मतलब सेंटर, ध्यान सुना, और यहां पर कोई लोड रखा है डब्लू। अब आप मुझे सब लोग ये बताओ कि जो भी लोड रखा होता है उसकी डायरेक्शन कहां की ओर होती है, नीचे की ओर होती है ना। अगर इस लोड की डायरेक्शन नीचे की ओर है फॉर एग्जाम्पल, और जहां पर लोड लगाया जाता है मैंने अभी अभी बताया उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा, बी। जहां पर लोड लगाया जाएगा उस पॉइंट को बोला जाएगा मेरे दोस्त बी। ठीक है सर, ये तो बी पॉइंट हो गया। अब अगर आपने यहां कुछ भी नहीं किया तो ये जो डब्ल्यू है इस भार की वजह से ये लीवर नीचे चला जाएगा। यही रीजन है कि यहां पर जो इफर्ट की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की ओर होगी। अब ऊपर की ओर नहीं, ऊपर की ओर करेंगे तो और नीचे चला जाएगा, नीचे की ओर। यही रीजन है कि यहां पर इफर्ट की डायरेक्शन नीचे की ओर। अब आप थोड़ा सोचो, यहां पर तुमने लोड रखा, ये नीचे जाना चाह रहा, तो इसको आप पकड़ के ऐसे नीचे की ओर ताकि वो वहां से नीचे ना जा पाए। बोलो भाई बात सब क्लियर है ना? फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर प्रयास लगाया जाता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सर जहां पर प्रयास लगाया जाएगा उस पॉइंट को ए बोला जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बता दूं कि कैसे डायरेक्शन सेट करनी होती है। डायरेक्शन ऐसे सेट कीजिए कि जो स्थिर बिंदु होता है यानी फलक्रम होता है, उस स्थिर बिंदु के सापेक्ष जो नेट बल आघूर्ण है ना, नेट आघूर्ण वो जीरो हो जाए। अब जैसे कि प्रकाल की नोट देखिए ना, प्रकाल अगर बिंदु ए पर रखिए बिंदु सी पर, तो डब्ल्यू की ओर घुमाइए तो देखिए ये ऐसे घूमेगा, मतलब डब्ल्यू आपको दे रहा क्लॉकवाइज मूवमेंट। सेम तरीके से जब पी की डायरेक्शन में ऐसे घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, है ना। अब मैं आपको कुछ और बातें बता दूं, देखो ये रहा तुम्हारा फलक्रम सी, फलक्रम से जहां पर प्रयास लगा होता है डेट मींस ये दूरी जिसको आपने एसी कहा, एसी को एक नाम से जाना जाता है बच्चा, एसी को बोला जाता है हिंदी में प्रयास भुजा। एसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रयास भुजा, है ना। एसी का मतलब ये होता है कि जहां पर फलक्रम था उस बिंदु से प्रयास की दूरी फलक्रम, है ना, एसी प्रयास भुजा। सेम तरीके से ध्यान रखना बिंदु सी से लगाकर बिंदु बी तक की दूरी, बिंदु सी से बिंदु बी तक की दूरी, यानी ये जो बी सी होगा इसे बोला जाता है भार भुजा।
भार भुजा का मतलब यह हुआ कि जहां पर भार लगा हुआ था उस बिंदु की दूरी कहां से दूरी, फलक्रम से दूरी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है ना। अब सुनो, ध्यान रखना किसी भी उत्तोलक का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, हिंदी में उत्तोलक लाभ बोलते हैं, ये उस उत्तोलक द्वारा उठाया गया भार और लगाए गए प्रयास के अनुपात को बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। तो अगर कोई पूछे उत्तोलक का उत्तोलक लाभ क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, तो सीधा सीधा बताइए डब्ल्यू बटे पी, सीधा सीधा बताइए डब्ल्यू बटे पी। अरे ड्रॉइंग का भी सब्जेक्ट आएगा दोस्त, परेशान मत हो, अरे सीधा सीधा डब्ल्यू बटे पी। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहां पर एक छोटा सा काम और करना है, बिंदु सी के परितः मूवमेंट लेना है, बिंदु सी के परितः आघूर्ण लेना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। देखो भाई, अगर आप शुरू से सब कुछ पढ़ोगे ना तो हर चीज समझ में आएगी। कभी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा जिसमें आपका डाउट हो। मैं आपको बताऊं, है ना, देखो मुझे बिंदु सी के परितः आघूर्ण लेना है। तो आपको एक छोटी सी बात पहले पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है बल गुणे दूरी, ये होता है ना। तो अगर मैं पूछूं बिंदु सी के परितः ये पी कितना आघूर्ण देगा, कितना आघूर्ण देगा, तो कहना बल का मल्टीप्लाई दूरी के साथ का दो सर, क्लियर है। तो बताइए कितना आघूर्ण देगा प्रयास पी, तो प्रयास पी देगा पी इंटू ए से लेकर सी तक की दूरी ए सी बराबर। सेम तरीके से बताइए W कितना आघूर्ण दे रहा, तो देखो मेरे भाई W ऐसे दे रहा, ऐसे ऐसे ये देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि W दे रहा W गुणे BC। बताइए यहां तक बात सबको क्लियर है, जल्दी से मुझे बताइए यहां तक बात सबको क्लियर है, है ना। तो आप यहां से एक छोटा सा पॉइंट बता सकते हो मेरे दोस्त कि W बटे जो P आएगा, W बटे P वो आ जाएगा AC बटे BC। डब्ल्यू बटे पी टू मैंने कहा मैकेनिकल एडवांटेज, बट एसी क्या होती है, तो एसी टू बोला जा सकता है प्रयास भुजा, एसी टू बोला जा सकता है प्रयास भुजा, और मेरे भाई बीसी टू बोला जा सकता है भार भुजा, लोड आर बीसी और एसी हो जाएगा इफर्ट आर, है ना। तो एक और फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज आ गया आपके सामने, दे देखो एक और फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया। क्या फॉर्मूला आया, प्रयास भुजा ऊपर रखिए और डिवाइड बाई भार भुजा, लेकिन लोड जब रखना होगा तो डब्ल्यू ऊपर पी नीचे, अब भुजा में रखना होगा तो प्रयास भुजा ऊपर भार भुजा नीचे। बताओ इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है ना। अब मैं एक छोटा सा बात बताऊं, आपने मैकेनिकल एडवांटेज पूरा पढ़ लिया, दो चीजें याद रखना, मैकेनिकल एडवांटेज का पहला फॉर्मूला डब्ल्यू बटे पी, हाँ दूसरा फॉर्मूला प्रयास भुजा बटे भार भुजा। और याद रखना मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, नो यूनिट। बताइए पहले यहां तक बात सबको क्लियर है, एक बार थम्स अप करके मुझे बताएंगे सब लोग, जल्दी बताइए यहां तक बात सबको क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो अभी हमने जो पढ़ा वो मेनली मैकेनिकल एडवांटेज, हिंदी में उत्तोलक लाभ बोलते हैं इसको, ये पढ़ा, ठीक है। चलो अब यहां से मेन शुरू करते हम लोग, काइंड ऑफ लीवर, काइंड ऑफ लीवर, कि भाई लीवर बताइए कितने तरह के होते हैं। तो लीवर में ध्यान रखना तीन तरह के लीवर आपको पढ़ने हैं, एक होता है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, दूसरा होता है सेकेंड काइंड ऑफ लीवर, और तीसरा होता है थर्ड काइंड ऑफ लीवर। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बस तीन प्रकार के उत्तोलक होते हैं और यही तीन तरह के उत्तोलक आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा चौथा उत्तोलक कोई भी नहीं होता। आगे बढ़ा जाए तो अब पहली हेडिंग सब लोग कॉपी में डालिएगा, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, है ना। तो हिंदी में इसको बोला जाता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक। अगर मैं पूछूं कि बताइए इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो हिंदी में ध्यान रखना इसे बोला जाता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक। चलो अब मैं आपको पहचानने का तरीका बताऊं, प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या होता है, बताइए बताया जाए, है ना। तो कहना जब भी कभी आपको प्रथम श्रेणी उत्तोलक चाहिए तो आप ये देखिए मेरे दोस्त कि वो जो स्थिर बिंदु था यानी फलक्रम था वो हमेशा बीच में होना चाहिए। फलक्रम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो हिंदी में इसको बोला जाता है आलंब। आलंब हमेशा कहां होना चाहिए मेरे दोस्त, आलंब बीच में हो। आप सिर्फ बीच वाले को याद रखो, सिर्फ बीच वाले को। तो अगर आलंब बीच में है तो समझ जाना वो हमारा प्रथम श्रेणी उत्तोलक है, ठीक है। अब भार कहीं पर भी हो, भार मान लीजिए यहां पर है डब्ल्यू,
तो प्रयास यहां लगाया जाएगा पी। पॉइंट अगर याद हो तो ये पॉइंट मैंने माना था सी, इस पॉइंट को मैंने कहा था ए, इस पॉइंट को मैंने कहा था बी। याद रहे सब, याद रखना भाई, याद करो ए से लेके सी तक की दूरी क्या थी, तो कहना ए सी, ए से लेके सी तक की दूरी तो मैंने बोला था प्रयास भुजा, प्रयास भुजा। और जल्दी बताइए बी से लेके सी तक की दूरी तो क्या बोला जाएगा, भार भुजा, भार भुजा। ये सब याद है ना, बताइए यहां तक डाउट तो नहीं है ना। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे के सारे एग्जाम्पल जिसमें आलंब बीच में होता है, डेट मीन्स, डेट मीन्स सर मेरा एक पढ़ाई से परे प्रश्न है, पूछे क्या, ठीक है पूछ लीजिए। हरा तो प्रथम श्रेणी के लीवर में आलंब हमेशा कहां पर होता है, सर आलंब जो होता है वो प्रयास और भार के बीच में होता है, आलंब हमेशा प्रयास और भार के बीच में होगा। तो ढूंढने वाली चीज यानी जो स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु सर वो बीच में होगा प्रथम श्रेणी उत्तोलन। अब आगे बात सुनो सर, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, सर इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा डब्ल्यू बटे पी, और या फिर मैंने अभी अभी बताया एसी बटे बीसी। प्रयास भुजा ऊपर भार भुजा नीचे, ये तुम्हारा फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है। बोलो, मैं एक एग्जांपल पहले दिखा देता हूं फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर का, फिर मैं इसमें दोबारा आऊंगा। ये देखिए सर, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर का अगर मैं एग्जाम्पल पूछू, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, आप लोग इसे देखिए ना, कैची, कैची दिखाई दे रहा है सबको। तो ये जो बना हुआ है बच्चा, ये बना हुआ है कैची, कैची। तो कैची में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फल्क्रम कहां होता है, तो कहना फल्क्रम देखिए बीच में होता है, यही वाला पॉइंट फल्क्रम। आप लोग अपनी तरफ से ताकत कहां लगाते हो, आप लोग अपनी तरफ से प्रयास कहां लगाते हो, तो सर प्रयास तो यहां लगाया जाता है, आप अपनी तरफ से ताकत यानी इफर्ट कहां लगाते हो, पी पर। उसके अलावा देखो जो भी चीज रखनी होती है, भार कहां रखना होता है, सर भार यहां रखना होता है, भार यहां रखना होता है, बताओ। तो हो गया ना ये फल फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। अरा ये देखिए अगला एग्जांपल तुम्हारा प्लास, बताइए देखा है कि देखा, जितने भी बिजली वाले होते हैं वो ये प्लास जरूर लिए रहते हैं, सुना ही नहीं सुना, बताइए ठीक है, पूछे पूछे। तो बच्चा प्लास में देखो ये जो बीच वाला बिंदु है, ये बीच वाला बिंदु ही बताइए हमारा टेट लाएगा, सर यही बीच वाला बिंदु फलक्रम होगा, फलक्रम मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले। और ये वाले बिंदु पर बताइए क्या करना है मेरे दोस्त, ये वाले बिंदु पर ठट ठट ठट, अरे अपनी ताकत लगानी है, यानी यहां पर लगाया जा रहा प्रयास पी, प्रयास पी इफर्ट जिसको बोलते हैं। और यहां पर बताइए इसी पॉइंट पर ही तो लोड रखा होता है, तो ये तुम्हारा लोड वाला पॉइंट, लोड मतलब डब्ल्यू। अरे समझ में आ रहा है। और देखिए इसके अलावा तराजू देखिए, तराजू में जो बीच वाला पॉइंट होता है मेरे दोस्त, ये हो गया फलक्रम, और इन दोनों बिंदुओं में से किसी एक पर लोड होगा है, किसी एक पर लोड होगा मेरे दोस्त, और दूसरे वाले बिंदु पर बताइए क्या लगाया जाएगा, प्रयास पी। तो तराजू देख लो, कैची देख लो, प्लास देख लो, समझ रहे हैं ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बताइए किसमें आते हैं, सर ये आते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में, ये भी एग्जाम्पल फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर का है। सर ये क्या कहलाता है, इसे बोला जाता है बच्चा सीसा झूला, इसे बोला जाता है सीसा झूला है। जितने भी पार्क होते हैं स्कूल, स्कूल के आसपास देखिए रही अलग झूला जरूर रहता है। ओके सर मेरा वजन गया है, जब मैं रनिंग कर रहा हूं वजन घट गया है कि बढ़ गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये तुम्हारा फल्क्रम हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक लोड होगा, तो दूसरे को उठाने के लिए ये लड़की देखो यहां प्रयास कर रही है, चिंटू और चिंटी है दोनों, एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है चिंटी। तो आप देखिए यहां पर कह सकते हो कि चिंटू ने जब बैठा, चिंटी प्रयास कर रही है उठाने के लिए सीसा झूला। ये भी ध्यान रखना, ए मनीष मुझे फोन कर लेना, तुम्हारे वजन से रिलेटेड समस्या सॉल्व हो जाएगी ना। तो आप गौर से देखिए, अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, देखो अगर ये प्रयास कर रही है तो ये प्रयास भुजा और ये लोड भुजा, तो मेरे भाई इन दोनों भुजाओं में से कोई भी बड़ी हो सकती है, कोई भी छोटी हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है यार, जरूरी थोड़ी ना कि ये दोनों बराबर ही हो। मैं कह दिया कि ये लंबा है वो छोटा है, बराबर जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बातें बताने वाला हूं, एग्जाम्पल तो सबने देख लिया, अब मैं जो बताने वाला हूं वो सुनो ध्यान से। ये जो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है, ये एक ऐसा लीवर होता है
जिसमें एसी बराबर बीसी भी हो सकता है, जिसमें एसी ग्रेटर देन बीसी भी हो सकता है, जिसमें एसी लेस देन बीसी भी हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में। यही रीजन है कि फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज वन भी हो सकता है, वन से ज्यादा भी हो सकता है, और मेरे दोस्त वन से कम भी हो सकता है। पूछा जाता है प्रश्न कि वो कौन सा लीवर है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम, एक से ज्यादा, या फिर एक से छोटा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है फर्स्ट काइंड ऑफ। इसमें तीनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो याद रखना ये एक ऐसा लीवर होता है जिसमें सारी पॉसिबिलिटी पॉसिबल होती है। ओके बोलो भाई, बात सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है ना? तो एग्जाम्पल कैची प्लास तराजू सीसा झूला, और भी इसके अन्य एग्जाम्पल भी लिख लेना। इसके अन्य एग्जाम्पल होते हैं एक तो साइकिल का ब्रेक, ये सब टॉपिक भी लिख लेना, यही सब पूछा जाता है साइकिल का ब्रेक। इसके बाद इसका जो अन्य एग्जाम्पल होता है साइकिल के ब्रेक के बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है हैंडपंप का हत्था, हैंडपंप का हत्था। क्लियर है? हैंडपंप का हत्था। तो ये और भी एग्जाम्पल है जो तुम्हारे कह सकते हो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में आते हैं। ओके चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आहा, अब देखिए, अब अगला जो एग्जाम्पल आता है मेरे दोस्त वो आता है सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। तो सेकेंड काइंड ऑफ लीवर में कौन बीच में होता है? अभी फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में देखो फलक्रम बीच में था। कौन था? फलक्रम। लेकिन मेरे दोस्त यहां फलक्रम बीच में नहीं होता, यहां पर फलक्रम हो जाता है किनारे पे, पहली बात। और दूसरी बात, बीच में कौन होता है? तो कह देना बीच में होता है तुम्हारा लोड। ओके तो फलक्रम किनारे पर होता है, बीच में लोड, और किनारे पर लगा होता है इफर्ट पी। अब आपने पी की दिशा ऊपर क्यों दिखाई? मैंने भाई पी की दिशा इसलिए ऊपर दिखाई क्योंकि लोड नीचे है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाना पड़ेगा, इसलिए देखो ऊपर की ओर। ओके पॉइंट याद कीजिए, ये तुम्हारा अगर आलंब है, अगर ये तुम्हारा आलंब है तो आलंब वाले बिंदु मैंने किससे माना था? सी से। जहां पर लोड होता है वहां बी, और जहां पर इफर्ट लगाया जाता है वहां सी। बताओ क्लियर है ना इतना? हाँ बिल्कुल, लोड बीच में होता है। डायरेक्शन पहले बताओ मुझे, सबको समझ में आ रही नहीं आ रही? डायरेक्शन ऐसे क्वेश्चन आता है, तो लोड अगर नीचे है, देखो लोड नीचे है तो उसको ये ऐसे मूवमेंट देगा, कैसे? क्लॉकवाइज। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाना है, इसलिए ऊपर है ना। चलिए तो याद रखना सेकेंड काइंड ऑफ लीवर में हमेशा घूम स्थिर रहने वाली चीज, स्थिर रहने वाली चीज किनारे पर होती है, और आप अपनी ताकत कहां लगाते हो, आप अपना प्रयास कहां लगाते हो, वो भी किनारे पर। तो आलंब भी किनारे पर, प्रयास भी किनारे पर, लोड बीच में होगा। लोड कहां होगा? बीच में। अब सवाल ये है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? तो सर मैकेनिकल एडवांटेज तो वही होगा डब्ल्यू बटे पी। अगर मैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला प्रयास भुजा के पदों में देखूं तो प्रयास भुजा एसी और देख लीजिए भार भुजा बीसी, ये तुम्हारा फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज का हो जाएगा। देखें चलो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताइए कि इस लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? जल्दी बताइए इस लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? एक से बड़ा, एक से छोटा, टी एट के बराबर? फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। जिन्होंने अभी तक भाई वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देना, क्योंकि मैं फिर से बता दूं हम लोग केवल एग्जाम्पल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाके आपको सॉल्व भी करा दूंगा। हरा तो आप थोड़ा गौर से देखिए, तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि सर देखो बीसी यहां से यहां तक है, बीसी यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक क्या है? सर यहां से यहां तक देखो एसी है, बीसी एसी है ना। तो मेरे भाई बताइए बड़ा कौन है? तो आप कहना कि याले लीवर में आप कह सकते हो मार साहब एसी की वैल्यू ज्यादा है, प्रयास भुजा बीसी से ज्यादा है, देख लो एसी ज्यादा है। यही रीजन है कि इस लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज एक से क्या होता है? ज्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक से क्या होता है बच्चा? ज्यादा। ओके सर एक से ज्यादा का क्या मतलब हुआ वो भी मुझे समझाओ, वो भी मैं बताता हूं। देखो अगर एक से ज्यादा है तो डब्ल्यू बटे पी एक से ज्यादा होगा, डब्ल्यू बटे पी क्या होगा सर? एक से ज्यादा होगा, होगा। और इसका अर्थ यह हुआ कि डब्ल्यू पी से ज्यादा होगा, डब्ल्यू पी से ज्यादा होगा। ठीक है,
अब इस लाइन को पता है वो थोड़ा लाइन में प्रयोग कर हिंदी भाषा में बोल कर पूछते हैं अरे कि W का मान P से ज्यादा है। चलो मैं पूछता हूं, बताइए जल्दी से क्या कहोगे, इसका क्या अर्थ होगा? कम भार, कम बल लगाकर, कम प्रयास लगाकर ज्यादा भार उठाना कि ज्यादा प्रयास लगाकर कम भार उठाना? बताओ जल्दी बताइए इसका अर्थ क्या होगा। ज्यादा और कम कैसे मेजर करूं? अरे वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, कैसी बात कर रहे हो? एसी यहां पर ज्यादा नहीं है, देखो अब बीसी कम नहीं है, ठीक है। चलो इसका अर्थ क्या है? तो कहना यहां पर देखो प्रयास कम है, तो आप एक लाइन और लिखेंगे इसके नीचे कि सर इसका अर्थ ये होता है कि यहां पर अर्थ आप कहोगे कि कम प्रयास लगाकर, कम इफर्ट लगाकर, कम इफर्ट लगाकर ज्यादा भार उठाना, कम इफर्ट लगाकर ज्यादा भार उठाना, ये हमारा सेकेंड काइंड ऑफ लीवर होता है। ये हमारा कह सकते हो सेकेंड काइंड ऑफ लीवर होता है, कम प्रयास लगाकर ज्यादा भार उठाना। ओके, इतनी बात सबको क्लियर है ना? एग्जाम्पल देख लिया जाए, एग्जाम्पल देख लिया जाए। तो सर थोड़ा सोचो, एकदम रिलैक्स हो जाइए, सोचो सेकेंड काइंड ऑफ लीवर क्या था। किनारे पे फलक्रम, हाँ किनारे पे फलक्रम और सब बीच में लोड और सबसे किनारे तुम अपना बल लगाओगे। अरे चलिए इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तुम्हारा, देखो ये है नट क्रैकर, बहुत पूछा जाता है नट क्रैकर, नट क्रैकर। आपने बताओ नट क्रैकर का नाम देखा ही नहीं देखा? सर शून्य बैच कैसे ज्वाइन करे? शून्य बैच ज्वाइन करने के लिए आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते, ये टीम के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 85 45 94 49 47, है ना। अगर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो कंप्लीट ले लीजिए, या फिर इंडिविजुअल साइंस का कोर्स चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल ले लीजिए। ओके चलिए, तो मेरे दोस्त आप मुझे ये बताइए जरा, ये नट क्रैकर दिखाई दे रहा है, सबसे बीच में देखो सबसे किनारे पर होता है फल्क्रम, क्यों होता है? क्योंकि सबसे किनारे के अबाउट ही तो रुमा रहा है। सबसे दूसरी तरफ सबसे यहां पर सबसे किनारे पर लगाते हो आप प्रयास पी, अपनी ताकत ऐसे। और ये देखिए क्या है सर? ये लोड है सर, ये क्या है? तो कहना सर ये लोड है डब्लू, देख लो। तो देखो ना फलक्रम किनारे है, लोड बीच में है, और देखो लगाया गया फोर्स सबसे किनारे, हो रही है ना सेकेंड काइंड लीवर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, फिर लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना। ये देखिए ये तुम्हारा बताइए क्या है? तो ये तुम्हारा है अमकटना, इसे बोलते हैं हम लोग अमकटना। अमकटने में भी सेम यही चीज होती है, क्या होता है बच्चा? तो कह रहा अमकटने में क्या होता है कि यहां पर हमारा होता है फलक्रम एकदम किनारे पर, सबसे लास्ट में आप देखो यहां पर ताटत लगाते हो पी, और बीच में रख देते हो आम, और आम देखिए कट जाता है, आम क्या हो जाता है? तो कह रहा आम तुम्हारा कट जाता है। ओके, तो फलक्रम किनारे, लड़ाया प्रयास किनारे, खेल खत्म। हाँ देखो एक बच्चा और एग्जाम्पल दे रहा, सरौता, एकदम सही बताया। देखो सरौता भी तो ऐसे होता है, सरौता भी तो ऐसे ही होता है कुछ। अब सरौता अब तो आना बंद हो जाए, कभी आप अपने दादाजी से पूछिए सरौता है कि नहीं है। तो ये होता है फलक्रम, यहां पर दादाजी लगाते हैं प्रयास, और यहां पर रखी जाती है सुपाड़ी, और कट जाती है, और सुपाड़ी का मतलब हो गया ये लोड। बोलो आगे बढ़ा जाए। सर हम कटना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शायद यार मुझे ना पता चल पाए, मुझे याद रही इसको, ये है एक गाड़ी वाला ठेला, इसे हिंदी में ही यही बोलते हैं एक गाड़ी वाला ठेला, एक पहिए वाला, गाड़ी वाला नहीं, एक पहिए वाला ठेला। ओके, अब आप एक पहिए वाले ठेले को कभी देखिए तो उसमें भी सेम यही चीज होती है, खड़ा कि यहां पर हमारा सबसे किनारे पर होता है फलक्रम, बीच में तुम्हारा लोड होता है डब्लू, और बीच में आप लोग क्या लगाते हैं? सबसे किनारे फोर्स लगाते हैं। सेम तरीके से ये नींबू क्रशर, लेमन क्रशर, इसे क्या बोला जाता है? सर इसे बोला जाता है लेमन क्रशर। तो ये भी एग्जांपल सेकेंड काइंड ऑफ लीवर में आता है, किनारे तुम्हारा फलक्रम, बीच में तुम्हारा लोड, और सबसे किनारे हम लोग लगाते हैं अपना इफर्ट भी। बताओ सर वो और पी दोनों नीचे की ओर लगता है आम कटने में? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये मत सोचो नीचे की ओर लगता है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग इशू है। हरा
बस ये समझो कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती, अगर एक नीचे है तो दूसरा ऊपर होगा, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा, बस इतना समझो। अरा चलो आगे बढ़ा जाए, तो हमने अभी अभी सेकेंड काइंड ऑफ लीवर समझा। याद रखना सेकेंड काइंड ऑफ लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा होता है, ये बात बहुत खास है। आगे बढ़ते हैं थर्ड काइंड ऑफ लीवर। अब थर्ड काइंड ऑफ लीवर में क्या होता है, तो थर्ड काइंड ऑफ लीवर में भी सेम वही सिचुएशन होती है कि फल्क्रम हमारा किनारे पर होगा, फल्क्रम कहां होगा किनारे पर, लेकिन इसमें जो प्रयास लगाया जाता है वो किनारे पर होता है, इसमें जो प्रयास लगाया जाता है किनारे नहीं बीच में होता है, और जबकि लोड कहां पर होता है वो किनारे पर होता है। लोड किनारे पर होगा, ध्यान से सुन लेना, लोड कहां होगा किनारे पर। हो सकता है आपको ऐसा ना समझ में आया हो, तो आपने ऐसा वाला डायग्राम देखा होगा, ये फल्क्रम होता है और यहां पर कह सकते हो किनारे पर क्या होता है, तो कहना किनारे पर होता है, किनारे पर हम लोड लगाते हैं लोड, और बीच में क्या होता है, सर बीच में होता है प्रयास भी, ऐसे देखा होगा है ना। अब देखिए ध्यान से देखना, इसको हम लोड सी कहते हैं, जहां पर प्रयास लगाया जाता है ए, और जहां पर लोड होता है उसे बी। तो ये दोबारा हो जाएगा ए से लेकर सी तक हो जाएगा एसी, एसी जिसे बोला जाता है प्रयास भुजा, और यहां से लेकर यहां तक बताइए क्या होगा, सर यहां से यहां तक हो जाएगा बीसी जिसे बोला जाएगा लोड भुजा, है ना, क्लियर है ना। तो ये दोबारा कह सकते हो थर्ड काइंड ऑफ लीवर होता है। और सुनिए मैकेनिकल एडवांटेज बताइए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे पी, जिसको आप लोग सिंपल भाषा में एसी बटे बीसी भी कह सकते हो, एसी बटे बीसी भी कह सकते हो। बताइए अब आप मुझे जल्दी बताइए कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहोगे, एक से कम की एक से ज्यादा, आंसर दीजिए। इसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम कहोगे की एक से ज्यादा, तो गौर देखिए यहां पर एसी इतना है बीसी इतना है, देख लो बीसी ज्यादा है इस बार, या यू कहिए कि यहां पर एसी कम है, यहां पर एसी कम है और बीसी ज्यादा है, चेक कर लो जाए। अगर डायग्राम के अनुसार एसी की वैल्यू बीसी की वैल्यू से कम है, इसका मतलब यह हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज भी एक से कम होगा, देख लो मैकेनिकल एडवांटेज भी एक से कम होगा, हाँ एक से कम, बिल्कुल एकदम सही है। अच्छा एक बात बताइए, मैकेनिकल एडवांटेज अगर एक से कम है तो मेरे भाई इसका अर्थ यह है कि W और P का रेशियो एक से कम होगा, और W और P का रेशियो अगर एक से कम है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि W लेस देन P या P ग्रेटर देन W, ये बोला जाता है। ओके तो क्या कहोगे इसमें, इसमें क्या बोलोगे, हाँ यहां पर देखो प्रयास ज्यादा है तो पता है क्या बोला जाएगा, बोलते हैं इसको हिंदी में यहां लिख लेना, कॉपी में काम में आएगा, हिंदी में लिखा जाएगा ज्यादा प्रयास लगाकर, ज्यादा प्रयास लगाकर कम भार उठाना, भार ज्यादा प्रयास लगाकर कम भार उठाना। ओके बोलिए बात सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है, फटाफट जल्दी बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, इसके एग्जाम्पल देख लेते जरा, जैसे कि सबसे पहला इसका एग्जाम्पल देखिए चिमटा, ये देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए चिमटा, ये चिमटा है, बताइए चिमटे में क्या होता है। सर चिमटे में यहां पर ये वाला पॉइंट होता है फलक्रम F, होता है ना फलक्रम, है ना मेरे भाई, चिमटे को पकड़ते कहां से हो, आप अपनी ताकत कहां लगाते हो, आप अपनी ताकत लगाते कहां हो, तो कहना आप अपनी ताकत यहां बीच में लगाते हो, तो बीच में लगा होगा क्या, सर बीच में लगा होगा प्रयास पी, प्रयास पी है ना। और जबकि रोटी कहां पकड़ते हो मेरे दोस्त, सर रोटी पकड़ते किनारे पर, यहां पर डब्लू देख लो, अरे बीच में आया ना प्रयास, तो जब प्रयास बीच में आ जाए, एफर्ट बीच में आ जाए, समझ जाना वो थर्ड काइंड है। इधर आइए सर, इसे बोला जाता है आइस टोंग, आइस टोंग, ठीक है सर। आइस टोंग क्या होता है, जिससे हम लोग अपने ग्लास में अल्कोहल के ग्लास में बर्फ रखते हैं, पकड़ते बर्फ रखते हैं ना, कभी बड़े आदमी को देखिए ऐसे पकड़ते है ना। तो मेरे दोस्त सेम चीज यहां देखिए, सर ये होता है फल्क्रम, आप लोग अपने हाथ से यहां पर पकड़ते हो बीच में, यहां प्रयास, और बर्फ का टुकड़ा यहां लगाते हो, यानी ये डब्लू देख लो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार थम्स अप करके बता दो जरा। हाँ मछली मारने वाला औजार ना बोलिए, इसको बोला जाता है क्या, बोला जाता है फिशिंग रॉड, इसे बोला जाता है फिशिंग रॉड, यह भी तुम्हारा ध्यान रखना थर्ड काइंड ऑफ लीवर में ही आता है,
थर्ड काइंड ऑफ लीवर। कैसे? देखो फिशिंग रॉड में ये वाला जो पॉइंट होता है, जहां पर देखो फिशिंग रॉड जब भी तभी करते ना ऐसे एक हिस्सा जो है ना जमीन में ऐसे रखा रहता है, ध्यान रखना। तो मेरे भाई आप कह सकते हो ये तुम्हारा फल्ट्रम हो गया, और हाथ से यहां पर पकड़ते हो, यहां पर इफर्ट प्रयास पी लग गया, और यहां पर मछली टंगी होती है, इसका मतलब ये लोड हो गया। देख लो एक बच्चा कह रहा है मोमोज पकड़ने वाला औजार। हाँ यार यही तो होता है मोमोज पकड़ने वाला औजार। अच्छा ये एक नया नाम हो गया, मोमोज पकड़ने वाला औजार, ये बढ़िया था भाई। देखो लाइन से घूम रहे सब है, एक बोल रहा है मोमोज पकड़ने वाला औजार, तो दूसरा बोल रहा है रसगुल्ला निकालने वाला औजार, क्या बात है। अब तीसरा क्या कहेगा बताओ जरा, है तीसरा क्या बोलेगा। चलिए तो यहां पर ये हमारा तीनों काइंड ऑफ लीवर हो गए। पहचानने का बस एक तरीका है, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में फल्क्रम बीच में, सेकेंड काइंड ऑफ लीवर में जो लोड होता है, सर लोड कहां होता है वो बीच में, और थर्ड काइंड ऑफ लीवर में कौन बीच में होता है, इफर्ट बीच में होता है। इतने ही एग्जांपल हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं और इतने से क्वेश्चन आपको याद करने हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात और पूछी जाती है, उसको भी सुन लीजिए, हेडिंग सब लोग अपनी ट्रॉपी में डाल लीजिएगा, कंपाउंड लीवर। कंपाउंड लीवर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यॉर्डिक उत्तोलक, यॉर्डिक उत्तोलक कंपाउंड लीवर। तो कंपाउंड लीवर के बारे में बस इतना याद करिए कि एक ऐसा लीवर होता है जिसमें दो या दो से अधिक लीवर को जोड़ के बनाया जाता है, है ना। तो बोला जा रहा है कि जब दो साधारण लीवर को आपस में जोड़ते हैं तब उसका यांत्रिक लाभ बढ़ जाता है, तो ऐसे लीवर को बोला जाता है कंपाउंड लीवर। परिभाषा देख लीजिए, व्हेन टू सिंपल लीवर आर ज्वाइंड टुगेदर देन देयर मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज सच दैट अ लीवर इज कॉल्ड कंपाउंड लीवर। तो कंपाउंड लीवर में ध्यान रखना, ये दो तीन लीवर आपस में जोड़ देते हैं, है ना, क्लियर है ना। अब मैं एक पट यार बस करो भाई, बस करो बस करो बस करो, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, बहुत ध्यान से सुना। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, जब भी कभी तुमसे कंपाउंड कंपाउंड लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज पूछा जाए कि बताइए कंपाउंड लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो तुम्हें पता है क्या करना होता है, जितने भी तुम्हारे लीवर जोड़े गए हैं उन सारे लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज निकाल के उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो हो सके तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि मान लीजिए कंपाउंड लीवर जो है वो तीन सिंपल लीवर से मिलकर बना है, तो तीनों सिंपल लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज पकड़ो, उठा के गुणा करा दो, और जैसे ही गुणा करा दिया जाएगा तो फाइनली जो पता चलेगा सर वो बन जाएगा कम। हालांकि प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से पढ़िए। अच्छा अब यहां से देखो, अब यहां से एक दो न्यूमेरिकल मैंने ले लिए, मैंने क्या किया एक दो न्यूमेरिकल ले लिए ताकि आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आते रहे कि भाई न्यूमेरिकल क्या होगा, ठीक है। देखो एक बच्चे ने पूछा, क्या पूछ रहा है ये बच्चा, सर कुएं से बाल्टी निकालना भी हो तो कौन सा लीवर होगा। ये तो आसान है यार, देखो मान लीजिए तुम्हें कुएं से बाल्टी निकालनी है तो ऐसे रस्सी, और ये रहे तुम जो बाल्टी को खींच रहे होगे, मतलब रस्सी को खींच रहे होगे, इस तरह बाल्टी, ये देखो बाल्टी। तो आप मुझे ये बताइए जरा, जो स्थिर वाला बिंदु है वो कहां पर हो गया, सर ये बीच में हो गया ना। जब भी कभी फल्क्रम बीच में हो जाता है याद रखना वो एक ही लीवर होता है, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। तो अगर आप कुएं से बाल्टी निकाल रहे हो और खींच रहे हो, पानी खींच रहे हो, पूछा जा रहा है कौन सा लीवर होगा, तो आप कह देना। चलिए और देखिए, अब ये छोटा सा नन्ना सा सवाल है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्लास टू के लीवर का यांत्रिक लाभ बताइए। अब देखो यहां से तुम्हें पता होना चाहिए ना क्लास टू का लीवर कैसा होता है, तो याद करिए क्लास टू का लीवर मैंने बताया था कि क्लास टू के लीवर में फल्क्रम एकदम किनारे पर होगा जिसे आप ए कहोगे, लोड हमारा बीच में होता है जिसे आप बी कहोगे, और इफर्ट हम लोग एकदम लास्ट में लगाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये सी ए, सॉरी ये सी ए, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सी है, और इसे, अरे क्या हो रहा है भाई, ये तुम्हारा फल्क्रम एफ, ये तुम्हारा सी, और इसे बोला जाता है ए, ये होता है। अब ध्यान से सुनना क्या बोला, फिर लिखा है रॉड की कुल लंबाई 2 मीटर है मेरे दोस्त, यानी रॉड की टोटल लंबाई यहां से यहां तक कितनी मीटर है, सर यहां से यहां तक 2 मीटर है, देख लो। और आगे बोला जा रहा है और लोड फल्क्रम से 1/3 मीटर की दूरी पर है, जो लोड है
वो फल्क्रम से कितना मीटर की दूरी पर है, 8/3। लेकिन ये 8/3 को पहले समझो, फल्क्रम से 8/3 दूरी पर है, 8/3 कहीं पर, 8/3 मीटर नहीं लिखा, तो 2 मीटर का 8/3 करेंगे ना। हाँ, तो जब 2 मीटर का तुम 8/3 करो फाइनली, तो ये दूरी हो जाएगी 2/3 मीटर। तो अगर ये दूरी तुम्हारी 2/3 मीटर हो रही, तो भाई फल्क्रम से ही तो दूरी लेते। अब देखो, हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो एसी और दूसरा बीसी। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए एसी, दूसरा चाहिए बीसी। चलो बताइए एसी कितना, बीसी कितना, आंसर बताइए, है ना। तो कह रहा एसी यहां से लेकर यहां तक देखो पूरा है 2 मीटर, और बीसी यहां से यहां तक है 2/3 मीटर। फाइनली बताइए, अगर मैं यहां से कट्टम पिट्टी कर दूं, 3 ऊपर चला जाएगा, तो देख लीजिए मैकेनिकल एडवांटेज 3 आ गया। कंपाउंड वाला एग्जांपल दीजिए, बच्चा कह रहा कंपाउंड लीवर का एग्जांपल दीजिए। कंपाउंड लीवर का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है आपका वो कौन होता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन। कंपाउंड लीवर का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ट्रेन, है ना, ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन, है ना। उसके अलावा लेथ मशीन, ये सब के सब कंपाउंड लीवर के एग्जांपल में आते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक लीवर नहीं, एक से कई सारे अधिक लीवर काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो कुछ और क्वेश्चन में लेके आया हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको भी देखिए। पहला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसी तरह के सवाल देखो भाई पूछे जाते हैं, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जल्दी से मुझे पढ़िए और बताइए इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। प्रथम लीवर में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। फर्स्ट लीवर के एग्जांपल में बताइए कौन सा कथन सत्य है, हैं? याद है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर क्या होता है? सर फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में फल्क्रम तुम्हारा बीच में होता है, फल्क्रम तुम्हारा बीच में होता है, किनारे पर होता है तुम्हारा लोड, दूसरे किनारे पर क्या होता है एफर्ट पी, जबकि फल्क्रम कहां होता है, बीच में। बताओ आंसर, बताइए जल्दी से। तो आप कहना पहला आंसर लिखा हुआ है एफर्ट इज बिटवीन लोड, नहीं एफर्ट बीच में कहां होता है, फल्क्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड लोड, ये सही है। आलंब प्रयास और भार के बीच में होता है, आलंब प्रयास और भार के बीच में होता है, समझ में आया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों को ये पढ़ाई हुई क्लास समझ में आती है तो आप हम लोगों के साइंस के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, इंडिविजुअल फिजिक्स जरूर एक बार पढ़ लेना। कोर्स में जब आप पढ़ोगे तो सिर्फ 199 में फिजिक्स पढ़ सकते हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो 499 में। ओके, वैसे एएलपी का कंप्लीट बैच चल रहा है, आपको जो कोड लगाना है वो योडी10 लगाना है, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा एएलपी के कंप्लीट सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, माई पाठशाला के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहां से आप लोग एएलपी के कंप्लीट सब्सक्रिप्शन में चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा उत्तोलक में आयास आधार प्रतिरोध के बीच में होता है। थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, इन विच टाइप ऑफ लीवर एफर्ट इन द बिटवीन वेट एंड फल्क्रम, देखो मतलब बोला जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा लीवर है जिसमें एफर्ट बिटवीन होता है, यानी एफर्ट बीच में होता है, और किसके बीच में होता है, सर बीच में होता है तुम्हारे फल्क्रम और लोड। ओके, अब ये एरो ऊपर लगाना पड़ेगा मुझे, बताइए आंसर जल्दी दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का ड्राइंग का बैच, बच्चा ड्राइंग का अलग से बैच नहीं होता, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के बैच में चैप्टर है ड्राइंग, समझे ना, कोई बैच थोड़ी ना है, वो अभी स्टार्ट हो रहा, वो भी तो इफर्ट बीच में आया है, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड काइंड ऑफ लीवर। आप जाके देख सकते हैं पूरी कंप्लीट मैंने थ्योरी पढ़ाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। कई बार आप लोग के सामने ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पढ़िए जल्दी से, बताइए उत्तर क्या बात है। याले क्वेश्चन भाई, जिसने सही आंसर दिया मतलब आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई बढ़िया की है। चलो बताओ क्या बोला जा रहा है, दिखाए गए चित्र में लीवर को पहचानिए, आप मुझे बताइए ये कौन सा लीवर है, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए ये कौन सा लीवर है। देखते चित्र बच्चे सही आंसर देते हैं, ये है क्या, तो कहना ये है ओपनर, ओपनर जिससे आप लोग थम्स अप कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खोलते हो, आजकल तो प्लास्टिक वाली आ रही है, ओपनर है ना,
देखो एक बच्चा कह रहा है चिमटा है, कौन कह रहा है? विकास कुमार कह रहा है चिमटा। दोस्त मैं तुम्हें चिमटा से ही मारूंगा, तुम्हें चिमटा नजर आ रहा है? बताओ ये चिमटा नजर आ रहा है, ये ओपनर है। अब देखो इसमें होता क्या, यहां पर आप अपने हाथों से पकड़ते हो, सुंदर सुंदर हाथों से पकड़ते हो, यानी यहां प्रयास है ना। फिर इसके बाद याली पॉइंट को ढक्कन में लगाते हो और ऐसे उठा देते हो, यानी ढक्कन में लगाने का काम तुमने यहां किया। बोलो, और किनारे वाला जो पॉइंट होता है, देखो कभी लगा के ऐसे देखिए, ऐसे उठाते हो ना, यानी आप इसको, आप इस ढक्कन को खोलने के लिए इसको ऐसे उठाते हो ऐसे, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा आलम, ये वाला पॉइंट बन जाएगा आलम, ठीक है। चलो बताइए आंसर, जल्दी बताइए ये कौन सा एग्जांपल पे जाएगा। सर डब्लू बीच में है, इसका मतलब ये सेकेंड काइंड ऑफ लीवर हो जाएगा, सेकेंड काइंड ऑफ लीवर, हाँ सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्लायर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी बताइए आंसर, प्लायर्स किसका एग्जाम्पल होता है? आंसर दीजिए। ओके देखो मैं फिर से बता दूं, थर से लगाया फर से पी रहे, बिल्कुल एकदम सही। वो कौन सा डायलॉग था? मंडल तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थोड़ी रहा है, थर से लगाया फुर से पी रहा है, ऐसे ही तो है ना, क्लियर है। चलो मैं फिर से बता दूं, देखो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, वैसे फिजिक्स का जितने भी बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ाई करते हैं, तो फिजिक्स का ऑलरेडी कोर्स में जाने कितने मैंने वीडियो अपलोड कर दिए है ना। अगर फिजिक्स के कोर्स में कोई प्रॉब्लम हो, आपको ऐसा लगता है कि सर ये टॉपिक भी पढ़ाना चाहिए, तो मुझे एक बार इस वीडियो पर जरूर मुझे बताइए, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए जरा कि सर ये टॉपिक छूटा है। वैसे ऑलरेडी मेरी तरफ से वो कंप्लीट है, ठीक है। चलो प्लायर्स, सर प्लायर्स होता क्या है? तो कहना इसे बोला जाता है प्लास, और प्लास ऐसे ही तो कुछ होता है। अरे मुझसे प्लास बने रहने, सॉरी मैंने शुरुआत में दिखाया था ना प्लास, याद है ना, ठीक है। तो प्लास जो आया था वो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर के एग्जाम्पल में आया था। प्लास दा रखना किसमें आया था? फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर के एग्जाम्पल में आया था। प्लास का होता है, प्लायर्स का मतलब होता है प्लास, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन उत्तोलक नहीं है? बताइए जल्दी से, इनमें से कौन उत्तोलक नहीं है? अच्छा कल मैं अभी एक टॉपिक और आपको पढ़ाने वाला हूं, इसका अगला पार्ट, इसके अगले पार्ट में आपको मैं मशीन के बारे में पढ़ाने वाला हूं, सिंपल मशीन, सिंपल मशीन, जैसे कि हमारा पुली हो गया, जैसे कि हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली हो गया, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली हो गया, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, ये सब सिंपल मशीन आपके सिलेबस में है। वेस्टर्न की वेशांतरी ढिरनी हो गई, थोड़ा सा मैं बातें आपको डियर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो कल का जो लेक्चर है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूं, ओके ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना, इनमें से कौन उत्तोलक नहीं है? भाई कैची तो उत्तोलक होती है, कौन सा होती है? फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। सीसा झूला भी फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। अच्छा बेल ट्रेंट भी एक लीवर होता है, बेल ट्रेंट भी एक लीवर होता है, आपको पता है? ध्यान रखना, लेकिन चाटू किसी तरह का कोई लीवर नहीं होता। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बेल ट्रेंट लीवर तो हमने सर पढ़ा नहीं, मैं बता देता हूं, एक मिनट रुक जाइए। देखो बेल ट्रेंट लीवर एक ऐसा लीवर होता है जिसकी दो भुजाएं होती हैं और दोनों भुजाएं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। बेल ट्रेंट लीवर एक ऐसा लीवर होता है जिसकी दो भुजाएं होती है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, याद रखिएगा। और ये फल्क्रम तुम्हारा बीच में होता है, इसमें फल्क्रम कहां पर होता है? बीच में। तो कोई आपसे ये पूछे कि बेल ट्रेंट लीवर किस काइंड का लीवर होता है, तो कहना बेल ट्रेंट लीवर ये हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर होता है। देखो अभी तक जितने भी मैंने आपको लीवर पढ़ाए वो सारे के सारे लीवर जो है एक छड़ में थे, एक छड़ में थे, लेकिन ये देखो ये छड़ में नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा था लीवर या तो सीधी छड़ हो सकता है या कर्म में हो सकता है, मुड़ी हुई हो सकती है ना। तो बेल ट्रेंट लीवर क्या होता है कि ये लीवर जो है दो परपेंडिकुलर भुजाओं से मिलकर बनता है। इनमें बीच में हमारा क्या होता है? सर बीच में हमारा फल्क्रम होता है, फल्क्रम। और याद रखना इनमें से किसी एक पॉइंट पे लोड होता है और अन्य पॉइंट पे मेरे दोस्त हो जाता है, इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है। देखो इसकी डायरेक्शन ऐसी ही, ध्यान रखना, और यहां पर लगाए गए एफर्ट की डायरेक्शन ऐसी होती है। अब आगे चल के पढ़ोगे जब बेल ट्रेंट लीवर के बारे में तो आप जानोगे कि हाँ ये होता है। डिप्लोमा वाले एलिजिबल है ना एएलपी में? बिल्कुल दोस्त, डिप्लोमा वाले एलिजिबल है एएलपी में, ठीक है। तो ये बात सबको क्लियर हो रही है ना, बेल ट्रेंट लीवर के बारे में समझ आ रही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताइए जल्दी से बड़ा बड़ा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए।
ट्रेड का क्वेश्चन हो रहा है क्या? नहीं, ट्रेड नहीं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के, ट्रेड नहीं। अब ट्रेड में अगर वैसे मैं आपको बताऊं, जितने भी मैकेनिकल वाले लोग हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, आप सब लोग एक ट्रेड हीट इंजन ले लीजिएगा। थोड़ी में हो सकता है कि यूट्यूब पर आपको हीट इंजन वाली ट्रेड पढ़ाऊंगा। वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको मशीनिस्ट भी, और मैं आपको पढ़ाऊंगा मेन फिटर भी, नहीं मशीनिस्ट पढ़ाऊंगा, फिटर में ज्यादा हो जाएगा, मशीनिस्ट जिसमें आपकी लेथ मशीन वगैरह आ जाती है, ड्रिल मशीन आ जाती है, बोरिंग मशीन आ जाती है, इंडक्शन वगैरह करने को आ जाती है, तो ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है कि इनमें से कौन नट क्रैकर बताना है, कि बताइए कौन सा लीवर है नट क्रैकर। मैंने शुरू में बताया ना, नट क्रैकर जो होता है ये धार अपना सेकेंड काइंड ऑफ लीवर होता है, आपने जरूर देखा होगा। ओके, तो जितने भी बच्चे हैं सर पहले सीबीटी, हाँ सीबीटी वन का ही आप सिलेबस चले रहे दोस्त, तो मैं आपको बता दूं हम लोग क्या करने वाले हैं। ये आज का लेक्चर खत्म होता है, अभी एक दो दिन हम लोग स्टेट टॉपिक को और कवर कर दे, दो तीन दिन लगेगा, दो तीन दिन स्टेट टॉपिक को जो भी बचा हुआ है उसको कवर कर दे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि साइंस देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी आनी है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरा पूरा साइंस का एक सेक्टर उठाएंगे और साइंस के मिथ्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आएंगे। कैसे बच्चा? मिथ्स क्वेश्चन की, जिसमें आपको मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर तरह के क्वेश्चन डालने वाला हूं, और ये मिथ्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस या तो 40 क्वेश्चन होंगे या तो 50 होंगे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, और बाकी कह सकते हो इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो आप लोग हम लोग के एप्लीकेशन से पढ़ लीजिएगा, जितनी भी बेसिक बातें हैं। इलेक्ट्रीशियन नहीं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में नहीं पढ़ाऊंगा दोस्त, मैं आपको दो ही ट्रेड पढ़ाऊंगा आगे भविष्य में, एक हीट इंजन और एक मैं पढ़ाऊंगा मशीनिस्ट। तो जो भी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट है वो यही दो ट्रेड लीजिएगा, है ना। और मैं फिर से बता दूं, इलेक्ट्रीशियन के लिए आप लोग चाहो तो मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, यूट्यूब पे भी पढ़ा है, एप्लीकेशन भी पढ़ा है, उसको आप कंप्लीट देख लेना, ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसी से। सर कुछ अच्छी अच्छी बातें करो हम लोगों से, चलिए एक काम करते हैं, आज हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। एकदम सही कह रहे हो मनीष, बहुत दिन हो गए शांति के साथ बैठे नहीं, मतलब शांति का मतलब हम लोग आपस में नहीं बैठे। चलिए सर, फिटर में मेरा कैसे होगा? देखो भाई, फिटर में सारी ट्रेड नहीं पढ़ा सकता ना, जैसे कि आप देखते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही अपने आप में बड़ी है, मशीनिस्ट भी बड़ी है, तो मैं सारी ट्रेड नहीं बता सकता, पढ़ा सकता। आप बात भी समझिए गहराई को, है ना। फिटर कौन पढ़ाएगा? फिटर के लिए हम लोग टीचर लेके आएंगे, फिटर के लिए टीचर लेके आएंगे। सर केमिस्ट्री की क्लास कब से होगी? बच्चा अब हम लोग जो है ना, इसके बाद कुछ साइंस से मैंने सोचे हैं कि एक काम करते हैं कि 8000 क्वेश्चन की श्रृंखला चलाते हैं, और ये 8000 क्वेश्चन की श्रृंखला जो है अगले 20 दिन तक चलाने वाला हूं, ताकि हम लोग एक बढ़िया सी प्रैक्टिस कर ले साइंस की। फिर आप कहोगे तो केमिस्ट्री की क्लास से भी शुरू कर दें। वैसे केमिस्ट्री अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ते हैं तो वहां मैं कंप्लीट, फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन पे मैं केमिस्ट्री भी कंप्लीट कराने वाला हूं। सर हम डीजल मैकेनिक वाले हैं। बच्चा डीजल मैकेनिक वाले हैं तो आप लोग एक टॉपिक पढ़ लेना, उसी से ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे, और उस टॉपिक का नाम है आईसी इंजन। आईसी इंजन जो है सबसे ज्यादा आता है, लेकिन आईसी इंजन भी वही है बात है ना, मैं अकेले सारी ट्रेड नहीं पढ़ा सकता, लेकिन पढ़ लेना बहुत आसान होता है आईसी इंजन भी। ओके, कुछ और बातें करते। अच्छा आप लोगों में से जितने भी लोग मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं या मैकेनिकल से बीटेक किए हैं, वो लोग हीट इंजन वाली ट्रेड इसलिए लेना क्योंकि हीट इंजन में केवल आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होता है, थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं आईसी इंजन के बारे में पढ़ना होता है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होता। सर जी इसका कोर्स कब आएगा? देखिए जो ट्रेड आएगी ना, ट्रेड का कोर्स अभी हम लोग लेके आएंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ट्रेड काफी दूर है, पास में नहीं है, है ना। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हम लोगों ने जो सीबीटी वन की तैयारी कर रखी है, सीबीटी वन का सिलेबस दे रखा है, वो कोर्स कंप्लीट हो चुका। और वैसे मैं बता दूं बहुत जल्द आरआरबी जेई की मुझे जो लग रहा है वह वैकेंसी जल्दी आएगी, आरआरबी जेई की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है, है ना। सर सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक, ये सब बचा हुआ है। सुमित कुमार ये जो चैप्टर आप बोल रहे हो ये सब हम लोग के एप्लीकेशन में पड़े हुए हैं। मैं देखो सबसे एक बात एकदम खुलेआम कहना चाहता हूं, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, एप्लीकेशन पे जाकर जो मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाया,
रेलवे का एग्जाम देने से पहले आप वो फिजिक्स जरूर पढ़ लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रेलवे में बहुत ज्यादा फिजिक्स पूछी जाती है। जो भी बच्चा अभी तक फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स नहीं लिए, सिर्फ 199 रुपए में ही आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। विश्वास मानिए, फिजिक्स का ऐसा कोई भी पोर्शन मैंने नहीं छोड़ा जो इसमें ना हो। मतलब एक अच्छे लेवल की जो फिजिक्स होती है वो भी मैंने इसमें डाल रखी। फिर चाहे आप किसी डिफेंस एग्जाम की भी तैयारी करते हो, यहां तक कि एयरफोर्स एड्स ग्रुप की तैयारी करते हो, या फिर आपके छोटे भाई बहन भी करते हैं, तो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, अभी फॉर्म का देखो अपडेट रही है, लेकिन मैंने बताया ना फॉर्म जो आपको आने वाला है वो ज्यादातर जो मिल रहा है सुनने में वो आरआरबी जेई और एएलपी, यही दोनों बहुत जल्दी आएंगे। चलो तो भाई मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, इलेक्ट्रीशियन, अरे भाई आईटीआई अगर तुम लोग प्रिय हो तो थोड़ा सा सबर रखो। आईटीआई में जब टेक्नीशियन का फॉर्म डालोगे ना तो भाई साहब कोई और आसपास नहीं होता, 50-50, 60-60 नंबर में भी सिलेक्शन होता है आईटीआई वालों का। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताना, कल मैं आपको मशीन का वो जो टॉपिक है ना, सिंपल मशीन, जैसे कि सिंपल मशीन क्या होती है, रिवर्सिबल क्या होती है, इरिवर्सिबल क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ये सब टॉपिक लेके आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।